नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कुछ सवाल असहिष्णुता के होते होते देश की अर्थव्यवस्था से जाकर जुड़ गए हैं। कुछ सवाल अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़ते हुए आतंकवाद और आतंक के उस नेक्सस से जुड़ चुके हैं जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। और कुछ सवाल नेपाल को लेकर कुछ इस तरीके से जुड़ गए हैं कि पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की दिशा में उंगली उठाते हुए ये तक कह दिया कि दरअसल युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक अमानवीय स्थिति भारत पैदा कर रहा है। इसके मतलब क्या है, ये बात यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नेपाल आज के वक्त का नहीं बल्कि सदियों से भारत के साथ खड़ा रहा है। फिर ऐसी स्थिति क्यों आई है? अगस्त में नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखे थे, लेकिन महज 2 महीने के भीतर नेपाल की तराई में नए संविधान को लेकर ऐसा आंदोलन भड़का कि मोदी का नेपाल प्रेम नेपाल वासियों ने ही भुला दिया। नतीजा, नए प्रधानमंत्री ने लगातार भारत पर हमले तेज कर दिए और आज तो यहाँ तक कह दिया कि भारत ने नेपाल सीमा पर खास बिंदुओं को जाम कर दिया है जो युद्ध के हालात से भी ज्यादा अमानवीय है। तो सवाल यह है कि नेपाल और भारत के रिश्ते कौन से मोड़ पर है, और नेपाल के पीएम लगातार भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या? और क्या चीन से नेपाल की पुरानी दोस्ती के बीच भारत ने वो गलतियां कर दी कि रिश्तों के तार टूटने लगे हैं? क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटिए तो 1960 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के भूबाला की तरफ आने को नेपाल के राजा महेंद्र ने ही इजाजत दी। उस वक्त भारत ने विरोध किया तो राजा महेंद्र ने भारत के समर्थक प्रधानमंत्री वीपी कोइराला को बर्खास्त कर दिया था। 1961 में राजा महेंद्र ने लहासा से काठमांडू तक रोड के निर्माण की इजाजत दी, और यही वो वक्त था जब माओ त्से-सुंग ने नेपाली डेलीगेशन को कहा कि एक बार ये सड़क खुल गई तो भारत आपकी तरफ ज्यादा सम्मान से देखेगा। और याद कीजिए, 1989 में नेपाल ने चीन की तरफ दूसरा हाईवे बनाने का फैसला किया तो राजीव गांधी की सरकार ने सीमाएं सील कर दी और नेपाल बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। उस वक्त चीन मदद के लिए इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके खुद के घर में थ्यानमेन चौक नरसंहार हुआ था। यानी चीन से नेपाल की निकटता कोई नई बात नहीं, और स्ट्रेटजिक तरीके से चीन हमेशा चाहता रहा कि दरअसल नेपाल का झुकाव उसकी तरफ हो, ना कि भारत की तरफ। और इन सब के बीच मधेशियों के आंदोलन के बीच भारत की तरफ से जो रुख अपनाया गया उसने चीन और नेपाल की दोस्ती फिर से मजबूत कर दी है। चीन ने पेट्रोल से लेकर रसद तक नेपाल पहुंचाकर दोस्ती का संदेश दिया तो भारत सिर्फ मधेशियों का दिल जीत पाया, जबकि बाकी नेपाल में उसके खिलाफ माहौल बन गया। यानी अप्रैल के भूकंप के वक्त जो भारत नेपाल का सबसे बड़ा मददगार था, चंद नीतिगत फैसलों की वजह से नेपाल में अब दुश्मन की तरह देखा जा रहा है और चीन दोस्त की तरह। तो भारत को सोचना पड़ेगा कि उसे अब करना क्या है, क्योंकि चीन के लिए नेपाल रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और नेपाल में जिस स्वीकारता के लिए वो 1960 से जूझ रहा था उसे अब मिलती दिख रही है। यानी भारत के लिए एक खतरे की घंटी भी है। नेपाल कई मायनों में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पड़ोसी भरे, अगर ध्यान दे तो आतंकवाद के वो रास्ते जो भारत की दिशा में आते हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से सीमाएं सील हैं तो वह भारत और नेपाल की जो पोरस सीमा है, जो खुली हुई सीमा है, उस रास्ते आतंकवाद की दस्तक भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सीमा से सटा हुआ है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ नेपाल से जुड़ी हुई है। ये सारे सवाल हैं, लेकिन नेपाल मौजूदा वक्त में भारत से कह रहा है युद्ध से ज़्यादा अमानवीय स्थिति आप पैदा कर रहे हैं। जाहिर है केंद्र सरकार के लिए एक मुश्किल वक्त है नेपाल के मद्देनजर, लेकिन एक दूसरी मुश्किल अर्थव्यवस्था को लेकर है, क्योंकि आर्थिक सुधार को लेकर मनमोहन सिंह की पहचान कोई आज की नहीं है। और आज उन्होंने ही इस देश की आर्थिक सुधार को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह मुलाकात 6 महीने पुरानी है, 27 मई की, जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने 7RCR और कोई नहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे थे। और खबर यही निकल कर आई कि आर्थिक सुधार को लेकर देश में सवाल उठ रहे हैं और मोदी सरकार ने 1 बरस पूरा किया है, तो ऐसे में मनमोहन सिंह से कुछ आर्थिक गुर जरूर समझे होंगे प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन इस मुलाकात के 6 महीने बाद जिस तरह मनमोहन सिंह ने पहली बार आर्थिक सुधार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट देश में बढ़ते असहिष्णुता के माहौल को लेकर उठाए, उसने प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह चुनौती तो रखी दी होगी कि जो व्यक्ति देश में आर्थिक सुधार को लेकर आया अगर वही सवाल उठा रहा है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के सामने
मैसेज क्या जाएगा और अब उन्हें कैसे समझाया जाएगा कि भारत में जो हो रहा है वो सिवाय राजनीतिक प्रोपेगेंडा के अलावे कुछ नहीं। सो कॉल्ड इंटॉलरेंस दैट वी सी इज ऑफ दोस हु आर रिटर्निंग देयर अवार्ड्स, दे आर द इंटॉलरेंट पीपल। जी राम माधव, इसलिए क्योंकि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री को ब्रिटेन जाना है, वहां पर एनआरआई से मिलना है और माना यही जाता है कि राम माधव प्रधानमंत्री की ऐसी सभा को सफल बनाने में लग जाते हैं। लेकिन इन सब से पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने साफ कहा है कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सामने मौजूदा हालात पर सवाल जरूर उठाएगी जो भारत में हो रहा है। और खास बात यह भी है कि जिस मूडीज की रिपोर्ट को मोदी सरकार ने खारिज किया उस रिपोर्ट को लेकर ब्रिटेन गंभीर है और मूडीज एनालिस्ट का भी कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और मूडीज की रिपोर्ट ही ब्रिटेन में बहस का बड़ा हिस्सा भी बन रही है। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने तो यह भी कहा कि मोदी जब प्रवासी भारतीयों से बात करेंगे तो असहिष्णुता के मुद्दे पर वह जरूर कुछ बोलेंगे। तो सवाल यही है कि मनमोहन सिंह यूं भी आर्थिक सुधार के चैंपियन भी रहे और वर्ल्ड बैंक और IMF की आंखों के तारे भी रहे। इतना ही नहीं, जिन देशों से प्रधानमंत्री मोदी विदेश निवेश की उम्मीद बांधे हुए हैं उन देशों के अनुकूल मनमोहन सिंह आर्थिक नीतियों को लागू भी कराना चाहते थे और मनमोहन सिंह की यही आर्थिक नीतियां उस दौर में विपक्ष के निशाने पर भी आई और निशाने पर लेने वालों में BJP भी शामिल रही। लेकिन मनमोहन सिंह से भी कई कदम आगे बढ़कर आर्थिक सुधार की हवा दुनिया भर में भारत के मद्देनजर और किसी ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही फैलाई और बनाई भी। ऐसे में सवाल यही है कि मनमोहन सिंह के विरोध का मतलब मोदी सरकार के लिए तब न होता जब मनमोहन की आर्थिक नीतियों से हटकर बकायदा स्वदेशी विचारधारा के तहत देसी आर्थिक नीतियों को मोदी सरकार अपनाए हुए होती। लेकिन रास्ता तो एक है, तो फिर मनमोहन सिंह जो कह रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो जरूर ही सुनेगा और यह भारत के विकास के रास्ते को उलझाएगा भी। सुपरसेशन ऑफ डिसेंट और फ्री स्पीच पोजेस अ ग्रेव डेंजर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। देयर कैन बी नो फ्री मार्केट विदाउट फ्रीडम। याद कीजिए जिस वक्त 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, उस दौर में पार्लियामेंट के भीतर BJP लगातार इस बात को उठाती थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इकोनॉमिस्ट तक ने आपके खिलाफ लिख दिया है और आप तो उसके चैंपियन रहे हैं, अब तो आप पटरी पर आ जाइए। यकीनन देश के भीतर इस बात को लेकर गुस्सा था कि आर्थिक नीतियाँ मनमोहन सिंह जो अपना रहे हैं वो दिशा ठीक नहीं है। लेकिन अब के दौर में आर्थिक सुधार की स्थितियाँ उसी लाइन पर है और देखिए देश के भीतर के माहौल को लेकर और कोई नहीं बल्कि अब विदेशी अखबार और मैगजीन में भी लिखा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स और इकोनॉमिस्ट दोनों ने इस सवाल को खड़ा किया है कि देश के भीतर जो असहिष्णुता का माहौल है और जिस तरीके से विरोध हो रहे हैं, इकोनॉमिस्ट के ताजे अंक के एडिटोरियल में इस बात का जिक्र किया गया है, जो बात शाहरुख खान कह रहे हैं, जिस बात का जिक्र RBI के गवर्नर कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र चंदा कोचर कर रही है, जिस बात का जिक्र अलग अलग आर्थिक पक्षों की तरफ से भी उभर कर आ रहा है, क्या उसको लेकर प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन सब से इतर असहिष्णुता के माहौल पे तो नहीं, लेकिन आज अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर एक नई लकीर जरूर खींची और बताया कि देश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्थिक विकास रुका हुआ है। जरा रिपोर्ट देखिए क्यों ये चीजें कही जा रही हैं और क्यों स्थिति बिगड़ी है। बढ़ती असहिष्णुता का मसला अर्थव्यवस्था पर हावी होने लगे तो ना सिर्फ मोदी सरकार के लिए बल्कि देश के लिए भी ये खतरे की घंटी तो हो ही सकती है, क्योंकि याद कीजिए तो देश के विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ही लाल किले के प्राचीर से ये ऐलान किया था कि 10 वर्ष के लिए सांप्रदायिकता और जात पात को बक्से में बंद कर दें। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो, 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और ये बात जब प्रधानमंत्री मोदी ने कही तो सवाल यही है उसके बावजूद भी ये मुद्दे उठे क्यों? सत्ता पाने और सियासत बिगाड़ने के लिए देश भर में कुछ इस तरह ये दोनों मुद्दे खड़े हो जाएंगे ये किसने सोचा होगा? और देश दुनिया में ये गूंजने लगे होंगे यह भी किसने सोचा होगा? बिहार चुनाव में तो जात पात का सवाल खुलकर सामने आ गया और सत्ताधारी BJP ने भी इस मुद्दे को जमकर उठाया और देश में कम्युनल मुद्दे उफान पर है। और ये सवाल उठाने वाले कोई बाहरी नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरामन और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी भी सवाल उठा रहे हैं।
जाहिर है इस कतार में अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी जुड़े हैं। तो सवाल दो है। पहला, बावजूद इसके देश विकास की राह पर है, जिसका उदाहरण आज प्रधानमंत्री ने ये कहकर दे दिया कि इकोनॉमी से जुड़े हर इंडिकेटर से ये संकेत मिलने लगे हैं कि 17 महीने पहले जो हालात थे उससे कहीं बेहतर अब हालात देश के हो चुके हैं। जीडीपी ग्रोथ इज अप एंड इन्फ्लेशन इज डाउन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अप एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इज डाउन, रेवेन्यूज आर अप एंड इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन, द फिस्कल डेफिसिट इज डाउन एंड द रूपी इज स्टेबल। तो दूसरा सवाल इसी से निकलता है, क्या असहिष्णुता या सांप्रदायिकता की जो लकीर इस दौर में खींची जा रही है वो धोती है, या फिर जब सब कुछ बेहतर है जिसे प्रधानमंत्री मान रहे हैं तो ऐसे में साध्वी प्राची हो, योगी आदित्यनाथ हो, साक्षी महाराज हो, सनातन संस्था हो, या फिर तमाम हिंदू संगठन जिस तरीके से जिन मुद्दों को खुले तौर पर उठाते हैं और उन्हें कोई रोकता नहीं, या फिर ऐसे विवादास्पद बयान देने पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो इसका मतलब निकाला क्या जाए। और इन दोनों स्थितियों से एक तीसरा सवाल है, क्या मौजूदा हालात देश में एक ऐसी लकीर खींच रहे हैं जिसमें समाज बट रहा है, और लकीर ना खींची जाए या समाज ना बटे इसके लिए ना सरकार और ना ही कोई संवैधानिक संस्था बची है, क्योंकि वह भी लकीर के इस या उस पार खड़ी दिखाई दे रही है। जाहिर है ये हालात बिल्कुल अलग है, क्योंकि विरोध कब कब किस किस रूप में इस देश में हुआ है इस पर भी गौर कर लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के विरोध में अंग्रेजों को सर की उपाधि लौटा दी थी, फणीश्वरनाथ रेणु ने एमरजेंसी के खिलाफ पद्मश्री लौटा दिया था, खुशवंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ पद्म विभूषण लौटा दिया, पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने तो सत्ता से नजदीक ना दिखे इसके लिए पद्म भूषण लौटा दिया। यानी पूर्व की घटनाओं से इतर पहली बार एक साथ 40 साहित्यकार, 36 फिल्मकार ने सम्मान लौटाया और 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने ऑनलाइन विरोध कर दिया। तो क्या मौजूदा वक्त अलग नहीं है? लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर खामोशी बरत देश की उपलब्धियों को आज कुछ इस तरीके से गिनाया। दस ओवर रुपीज 10,500 करोड़ ऑफ ब्लैक मनी फ्रॉम एब्रॉड हैज बीन डिटेक्टेड एंड एसेस। इफ वी कैन सस्टेन दिस इंप्रूवमेंट इन इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, व्हाट कैन बी ए मोर ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी मुद्दे के उठने पर उसका जवाब इस दौर में नहीं देते हैं, जो असहिष्णुता के सवाल पर वो खामोशी इस दौर में बरते हुए हैं, क्योंकि अरुण शौरी ने जो सवाल उठाए उसका जवाब आज दिया गया। सेकेंड डिफरेंस रियली इज दैट देयर इज अ मच फर्मर क्लियरर बिलीफ दैट मैनेजिंग द इकोनॉमी मींस मैनेजिंग द हेडलाइंस अबाउट द इकोनॉमी एंड दिस इज नॉट रियली गोइंग टू वर्क। आवर आइडिया ऑफ रिफॉर्म्स शुड बी इंक्लूसिव एंड ब्रॉड बेस्ड। द गोल ऑफ रिफॉर्म is not better headlines in the pink papers but better lives for our people। जवाब तो दिया जाता है और जवाब दिया भी जाना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच कुछ खामोशी कहीं ना कहीं देश को खल भी रही होगी। लेकिन इन सब के बीच छोटा राजन सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है, वो कुछ और क्यों हो गया इस दौर में, या उसकी महत्ता क्यों बढ़ चुकी है? चलो इस रिपोर्ट को देखिए। सीबीआई, आईबी, रॉ और मुंबई पुलिस, हर कोई छोटा राजन से पूछताछ करेगा, क्योंकि छोटा राजन की नई पहचान सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन की नहीं है, सिर्फ मुंबई की गलियों में हत्या और हथियारों से खेलने वाले अपराधी की भी नहीं है, सिर्फ दाऊद से जिंदगी और मौत का खेल खेलते रहने वाले की भी नहीं है, बल्कि इन सब के बीच अंडरवर्ल्ड से जुड़े दाऊद हों या फिर छोटा राजन, नई पहचान नए तरीके से बन रही है। अंडरवर्ल्ड के धंधे से कमाई को आतंक के आकाओं को मदद पहुंचाई जाती है, ये नई पहचान है। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार में दाऊद के मदद के तरीकों को पहचानने की भी नई पहचान है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नशे के धंधे के रैकेट से जुड़े होने की भी पहचान है, और भारत के सिस्टम में अंडरवर्ल्ड की पहुंच कहां तक है इसे भी जानने की नई पहचान छोटा राजन से जुड़ चुकी है। यानी पहली बार किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के जरिए तमाम एजेंसियां उस नेक्सस को पकड़ना चाहती है जिसके आश्रय आतंकवाद को उन धंधों से आर्थिक मदद मिल रही है जो कानून व्यवस्था के दायरे में छोटे होते हैं, लेकिन नेक्सस और कमाई इतनी ज्यादा होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी आतंक का खेल खेल सकता है। दरअसल इसकी नब्ज दाऊद ही है, और छोटा राजन
इसी नब्ज के लिहाज से भारत के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है, क्योंकि पाकिस्तान में दाऊद सिर्फ भारत से भागा हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन भर नहीं है। जितनी कमाई दाऊद की है और जिस तरह भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से आतंक का खेल लगातार खेला जा रहा है, उसमें दाऊद की महत्ता पाकिस्तान के किसी भी नागरिक से कहीं ज्यादा है। और इसके चार उदाहरण बहुत साफ हैं। पहला, 2001 में दाऊद का सवाल उठाने पर मुशर्रफ ने आगरा समिट बीच में ही छोड़ दिया था। दूसरा, जावेद मियादाद के बेटे से दाऊद की बेटी का निकाह हुआ। तीसरा, ISI दाऊद को खास सुरक्षा देती है। और चौथा, दाऊद के हर धंधे की कमाई पर पाकिस्तान में कोई रोक टोक नहीं। संकेत साफ है, अगर दाऊद की यह पहचान है तो दाऊद तक पहुंचने के लिए लगातार आज से नहीं बल्कि अजीत डोभाल जिस वक्त IB के चीफ हुआ करते थे उस समय से प्रयास करते हैं और इस वक्त वो NSA में है। संकेत साफ है, मुंबई पुलिस छोटी है, रॉ IB CBI जरूरत है इस दौर में। बारह, कल प्रधानमंत्री घाटी जा रहे हैं और ये पहला मौका होगा जब वहां पर नई सत्ता बनने के बाद उनकी रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा को लेकर न सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार उत्साहित है बल्कि साथ ही साथ कई लोगों की निगाहें इस यात्रा पर टिकी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हिंदुस्तान के हैं उनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ के डेवलपमेंट के मुतलिक, यहाँ की तरक्की के मुतलिक, यहाँ के अमन अमान के मुतलिक और खासकर नौजवान के मुतलिक। 48 घंटे इस यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी विभाग खासतौर से स्कूल कॉलेज जो हैं वो कहीं ना कहीं ठप हो गए हैं, आम जनजीवन ठप हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री को कश्मीर आना है। कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं, यहाँ ज़्यादा गरीबी है उसको मद्देनजर रखते हुए यही सोचना चाहिए कि ये गरीब क्या बात है, इनको क्या परेशानी है, इनको हल करना चाहिए यहाँ पर। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँगा, जो कुछ वाजपेयी ने किया है उसी के नक्शे कदम पर चलूँगा, जाहिर है तो उसे वो वही उसी नक्शे कदम पे चल के वो बात दोहरानी चाहिए या उसकी तरफ वो बात कर लेनी चाहिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे। दरअसल अगर देखें तो कहीं ना कहीं जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर सरकार ने इस यात्रा से काफ़ी आस पाली हुई है कि प्रधानमंत्री कई बड़ी घोषणाएं इस भाषण के दौरान, अपने भाषण के दौरान और अपनी जनसभा के दौरान करेंगे, तो उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कश्मीर में कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं। पिछले साल यहाँ बाढ़ आया था, फ्लड आया था, कुछ लोगों को नहीं मिला तो कुछ लोगों को मिला, उसके बारे में हमें यही उम्मीद है कि रिलीफ मिलना चाहिए। उम्मीद है उन पे कि वो इस कश्मीर के लिए कि वो दिखाएंगे कि जो वो वादे करते हैं कि वो उनको पूरा निभाएंगे, क्योंकि अभी बहुत जालिम हुकुमरान आ रहे हैं, इस पूरे दुनिया में बहुत से जालिम हुकुमरान आ रहे हैं। उम्मीद तो है, दिल से साफ होना चाहिए, मुसलमान हो या हिंदू क्या फ़र्क पड़ता, दिल से साफ हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।